नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमएलए रविंद्र सिंह भाटी के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी 27 मार्च बुधवार से जन आशीर्वाद यात्रा नागानाराय माता मंदिर कल्याणपुर से निकाल रहे हैं। यात्रा के फर्स्ट दिन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जैसलमेर विधानसभा में 5 दिवसीय यात्रा करने के बाद सिवाना विधानसभा में यात्रा निकाल रहे हैं। इसके साथ शिव विधायक का लोकसभा चुनाव लड़ना भी करीब करीब फाइनल माना जा रहा है। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा घोटाला। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना गेहूं परिवहन या अन्य सामग्री खरीद के टेंडरों में गड़बड़ झाले की योजना बन गई है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से वेइंग मशीन विद आयरिस स्कैनर की खरीद के 66 करोड़ के टेंडर में डीलर्स को थमा रहे हैं। दुगनी कीमत की मशीनें थमाने पर राशन डीलर्स ने विरोध किया तो पहले उनको चुप करा दिया गया, लेकिन जब 17,000 से ज्यादा राशन डीलर्स को मशीनें थमा दी तो डीलर एकजुट हुए और शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी है। कोटा में ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल आमने सामने। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस ने कोटा बूंदी संसदीय सीट से प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया है। प्रहलाद गुंजल का मुकाबला बीजेपी के ओम बिरला से होगा। टिकट की घोषणा होते ही समर्थक कार्यकर्ता गुंजल के आवास पर पहुंचे, जमकर आतिशबाजी की, फूल मालाओं से गुंजल का स्वागत किया। प्रहलाद गुंजल कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। प्रहलाद गुंजल के चुनावी मैदान में उतरने से कांटे की टक्कर की संभावना जताई जा रही है। मैंने वैभव को यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चुनाव लड़ने से रोका, गहलोत बोले। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है, मेरे मुख्यमंत्री रहते वैभव गहलोत यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ना चाहते थे। मैंने मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि लोग कहेंगे मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को अध्यक्ष बनवा दिया। अब मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, हर जिले में मैं ही नहीं मेरा पीए भी फोन कर दे तो वोट पड़ जाए। मैंने कहा अध्यक्ष बन भी जाओगे तो लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को अध्यक्ष बना दिया। मैंने उन्हें रोका। गहलोत जालौर में वैभव गहलोत के समर्थन में जनसंपर्क सभा में बोल रहे थे। जयपुर कमिश्नर को कंधे पर उठाकर नाचे पुलिसकर्मी। राजस्थान में आज पुलिस वालों ने होली मनाई। पुलिस के मुखिया के साथ सिपाही भी होली मनाते दिखे। जयपुर के चांदपोल स्थित पुलिस लाइन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां सुबह 9 बजे से होली खेली गई। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया, धुलंडी के अगले दिन पुलिसकर्मी अपने साथियों और परिवार के साथ होली खेलते हैं। होली और धुलंडी के दिन हार्ड ड्यूटी होने के कारण पुलिसकर्मी अपने साथियों और परिवार के साथ होली नहीं खेलते। आरसीए अध्यक्ष पद के लिए कल शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी वोटर लिस्ट पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। वहीं 4 अप्रैल को नामांकन, 7 अप्रैल को नाम वापसी और 8 अप्रैल को चुनाव और मतगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। कांग्रेस ने नए चेहरे पर खेला दांव। कांग्रेस ने अजमेर लोकसभा चुनाव से फिर नया चेहरा उतारा है। कांग्रेस ने इस बार अजमेर डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है। चौधरी करीब 30 साल से डेयरी के लगातार अध्यक्ष हैं। पिछली बार कांग्रेस ने रिजु झुनझुनवाला को टिकट दिया था जो 4 लाख से ज्यादा मतों से हारे। अजमेर लोकसभा सीट पर चुनाव दूसरे चरण में होंगे। जोधपुर में शीतला माता का मेला 1 अप्रैल से जोधपुर शहर के नागौरी गेट कागा की पहाड़ियों में स्थित शीतला माता मंदिर में इस बार 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसको लेकर तैयारियां पूर्ण की गई है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पॉलिथीन की थैली पर प्रतिबंध लगाया गया है। टिकट नहीं मिलने पर नरेश मीणा ने दिखाए तल्ख तेवर। 4 दिन पहले कांग्रेस में वापसी करने वाले युवा नेता नरेश मीणा लोकसभा का टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। उन्होंने दौसा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में लोकसभा उम्मीदवार बनाए गए विधायक मुरारीलाल मीणा को खरी खरी सुनाई। उस वक्त मंच पर मुरारीलाल व उनकी बेटी निहारिका जोरवाल समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद, जहां नरेश मीणा ने टिकट का आश्वासन देकर कांग्रेस ज्वाइन कराने व बाद में टिकट नहीं देने को धोखा बताया, जिस पर लोगों ने जमकर तालियां बजाई, जयकारे लगाए। राजस्थान में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 28 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश हो सकती है। इस सिस्टम से कुछ जगह ओले भी गिर सकते हैं। इनका प्रभाव भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में रहेगा, जबकि शेष जिलों में मौसम साफ रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर से जारी फोरकास्ट के मुताबिक 28 मार्च को अलवर, भरतपुर और झुंझुनू में बारिश का येलो अलर्ट है। इन जिलों में बारिश के साथ कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। इन जिलों के अलावा दौसा और सीकर में भी हल्के बादल छा सकते हैं। जयपुर में WTP RCA RUHS पर एक्शन ले सकता है निगम। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर ने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कुर्की की कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले 1 महीने की रिपोर्ट देखें तो ग्रेटर निगम ने शहर में 308 से ज्यादा संस्थाओं पर रिकवरी के लिए कुर्की संपत्ति जब्त करना की कार्रवाई की। हालांकि अब भी कई ऐसे बड़े बकायादार हैं जिनका यूडी टैक्स बकाया चल रहा है। 18 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों का 10 करोड़ तक टैक्स बकाया। भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने नामांकन भरा। नागौर से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने नामांकन दाखिल किया है। इसके बाद नामांकन सभा हुई।
सभा में कुछ देर बाद सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा, पंजाब में भाजपा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि लोगों की राय के बाद यह फैसला लिया गया है, वर्करों और नेताओं की भी यही राय है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। बता दें कि पहले पंजाब में अकाली दल से भाजपा के दोबारा गठजोड़ की चर्चा थी, भाजपा के सीनियर नेता भी इसके पक्ष में थे, इसके बावजूद यह बातचीत बन नहीं पाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एएपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एएपी कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने निकले थे, पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 146 लागू की है। इधर भाजपा कार्यकर्ता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सचिवालय की तरफ जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी, उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस को बड़ा झटका, राजस्थान के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार राजस्थान के मिशन को लेकर भाजपा जुड़ी है और इसी के तहत सोमवार को बाड़मेर जैसलमेर के कांग्रेस के कई सक्रिय नेता भाजपा में शामिल। और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे सीएम डिप्टी सीएम, सीकर से भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीकर के पुलिस लाइन ग्राउंड में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे, इसके बाद नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। वही अब नामांकन के बाद रामलीला मैदान में सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में नामांकन सभा हुई। चुनाव आयोग लेगा तकनीक का सहारा, 6 ऐप बनेंगे मददगार, चुनाव की हर जानकारी मिलेगी ऑनलाइन। विधानसभा की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी ऐप मददगार बनेंगे। चुनाव आयोग मतदान बढ़ाने के लिए 6 ऐप का सहारा लेंगे। ऐप के जरिए मतदाताओं को चुनाव संबंधी जानकारी ऑनलाइन हो सकेगी। फिंगरप्रिंट को लेकर उपभोक्ताओं को नहीं होगी परेशानी, राशन डीलर डिजिटलाइज होने लगे हैं। सरकार ने इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कांटे व आयरिस स्कैनर से लैस किया है। उपभोक्ता के फिंगरप्रिंट नहीं आने पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। आयरिस स्कैनर से आंखों की पुतली स्कैन की जाएगी, जिससे उसे बार बार राशन की दुकानों पर चक्कर नहीं काटना पड़े। झुंझुनू जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने बताया कि जिले में राशन की दुकानों पर 300 आयरिस स्कैनर आ गए हैं, जिनमें से 154 मशीन राशन डीलरों को दे गई है। उन पर काम भी शुरू हो गया है। राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं के कई बार फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी। ऐसे में उपभोक्ताओं को बिना राशन लौटना पड़ता है। बुजुर्ग उपभोक्ताओं के साथ ऐसी समस्या अधिक थी। ऐसे में अब फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं होने पर आयरिस स्कैनर से आंख की पुतली को स्कैन कर राशन दिया जाएगा। इसके लिए दुकानों पर आयरिस स्कैनर भी उपलब्ध रहेगा। गहलोत बोले, बीजेपी जीत गई तो फिर चुनाव होंगे या नहीं, यह भी तय नहीं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पाली में कहा कि देश में वर्तमान हालात खतरनाक मोड़ पर हैं। दो दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। ईडी सीआईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्ष में भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। कुल मिलाकर देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इतना समझ लें कि देश भर में हवा चल रही है कि इस बार बीजेपी भारी बहुमत से जीत दर्ज करती है तो अगला चुनाव होगा या नहीं, यह भी तय नहीं है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।